बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं जहाँ पे हम लोग खाली जगह देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़े से बीज लगा दें, तो वहाँ पे भी तो पेड़ उग सकते हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं, आप क्या करती हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, या किस तरह से काम करती हैं इसके लिए? मैं मेरी मम्मी के साथ घर पे रह के उनके साथ कप्स में और मटके में जो होता है, जब वो टूट जाते हैं, तो उनमें उनके साथ मदद करके प्लांट्स लगाती हूँ, जिससे हमारा घर सुंदर भी लगता है, हमारा गार्डन सबसे अच्छा लगता है और ग्रीन, उसमें ग्रीनरी भी रहती है। तो देखा आपने, इन छोटे छोटे बच्चों में भी अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को बचाने का जो जज्बा है, वो अगर हम में भी आ जाए तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अभी आपने देखा कि हम किस तरह से घर पे रहते हुए भी और वेस्ट चीज़ों के ज़रिए अपनी प्रकृति को बचाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी और भी बहुत कुछ है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस पर हमारी खास पेशकश। हम सभी को पता है कि राजस्थान में पानी की कितनी कमी है। हम अगर चाहें तो पानी को बचा सकते हैं। पानी की एक एक बूंद आज बहुत ही कीमती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के जैन, जो काफ़ी समय से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जैन, आप काफ़ी समय से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उसे सेव करते हैं। क्या है ये सब, किस तरह से आप काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि जहाँ तक सभी जिलों में, राजस्थान के में ये प्रॉब्लम है कि पानी हम ज़्यादा ले रहे हैं जितना बरसात से पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है। इस स्थिति में पानी इंडेफिनिट टाइम तक नहीं चल सकता है, पानी कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम वर्षा जल को संजोएं, उसको भूजल में भेजें, यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। किस तरह से किया जा सकता है, क्या घरों में, सड़कों में, इन सब जगहों पे भी हम पानी का बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं, अपने अपने घरों में, कम्युनिटी स्तर पर भी हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप हाउसेज एक साथ मिल जाएं, सरकारी स्तर पर ये हो सकता है जहाँ सड़कें हैं जिनमें बहुत सारा बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो वेस्ट जाता है, उसको हम हाइजेनिक तरीके से ज़मीन के अंदर पहुँचाएँ। तो ये सब दोनों तीनों तरीके हैं जिनसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसी तरह गाँव में हम खेतों के पास या और किसी जगह जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ हम छोटे छोटे पॉन्ड्स बना सकते हैं। उन पॉन्ड्स में पानी को इकट्ठा करने से वो ज़मीन के अंदर भी जाएगा और सीधा उन पॉन्ड से पानी लेके हम सिंचाई भी कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, ये जानना चाहूँगी कितने समय तक हम उस पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? पानी तो कितने भी समय तक सुरक्षित रख सकता है, डिपेंड करता है हम कितना पानी निकाल रहे हैं। अगर हम उस पानी से ज़्यादा, जो हम भेज रहे हैं उससे ज़्यादा निकालेंगे तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और अगर हम उतना ही पानी निकाल रहे हैं जितना वर्षा जल संचयन से या तो ज़मीन में भेज रहे हैं या बरसात के दिनों में अपने आप नेचुरल तरीके से ज़मीन में जाता है, तो हम उतना ही पानी अगर निकालें तो ये पानी हमेशा के लिए चल सकता है। लेकिन अभी सभी जगह देश के कई हिस्सों में, पर्टिकुलरली जयपुर में 300 से 400% पानी हम निकाल रहे हैं, लाइक 100% पानी ज़मीन में जाता है और 400% हम निकाल रहे हैं। इस तरह जल स्तर तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा है। तो यहाँ आशंका यह है कि बहुत जल्दी अगले 5-6 सालों में ही भूजल के भंडार समाप्त हो जाएंगे और फिर जो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने घर में रेन वाटर को सेव करना चाहे तो किस तरह से वो सेव कर सकता है? रेन वाटर सेव करने के लिए तरीका है कि उनकी जो छत है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बाद उस पानी को हम नीचे पाइपों द्वारा पहुंचा सकते हैं। फिर दो सिस्टम बनते हैं, एक तो स्टोरेज टैंक जिसमें उस पानी को सीधा लाया जाएगा, फिर उसी के एडजॉइनिंग फिल्ट्रेशन टैंक बनता है, उसमें उस पानी को भेजते हैं। उसमें तीन तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं, कोरसेंट, पेबल्स और ग्रेवल्स। इन लेयर्स में से पानी छनता हुआ जाता है तो इसकी जो इम्प्योरिटीज है, सैंड और दूसरी तरह की, वो ऊपर ही रह जाती है और ज़मीन में सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन वेल विधि से या साफ से
या रिचार्ज साफ से वो पानी भूजल में समाहित हो जाता है। जयपुर में भी इस तरह का कोई अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। किसी तरह के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम अपनी सड़कों में इस तरह का कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसा कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ प्रोजेक्ट्स तो हमने किए हैं, जैसे रोटरी क्लब जयपुर है, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट है, और उसके बाहर जो सड़क है उस पर 14 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो बरसात का जो पानी आ जाता है वो उन 14 स्ट्रक्चर से अंदर चला जाता है। उसका फ़ायदा ये कि सड़क पर एक तो पानी इकट्ठा नहीं रहेगा, उससे मच्छर और बीमारियां पैदा नहीं होगी, सड़क ज़्यादा दिनों तक चलेगी। जैसे आज हर साल सड़क ख़राब हो जाती है, फिर हम उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस पे उतना खर्चा करते हैं, जब उसे पानी नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ 3 से 4 साल 5 साल होगी। तो ऐसे सड़कों का भी रखरखाव होता है, लाइफ भी बढ़ेगी। जहाँ जहाँ हम ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वहाँ मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का बढ़ जाता है, तो उसी के पास हम ग्रीनरी भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वो सारे पेड़ पौधे बहुत जल्दी वहाँ पनपेंगे, और इस तरह से इकोलॉजी के लिए भी हम काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इन छोटे छोटे तरीकों से हम अपने घर, अपने आसपास की जगहों पर वर्षा के पानी को कितनी अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान में पानी की कितनी कमी है। अभी हमें आपको ये बताया कि किस तरह से हम रेन वाटर को अपने घर में रहते हुए भी बचा सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आज जयपुर में वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों, एनजीओस और जयपुर वासियों ने हिस्सा लिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री पीना काक ने इस अवसर पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेयर ज्योति खंडेलवाल और कमिश्नर बीएल सोनी भी उपस्थित थे। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ मेरा खूबसूरत राजस्थान, कि मेरी नजरों से देखें। दोनों जो मेरे एरियाज हैं वो फील्ड के हैं, और मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने कहा कि 7 दिन, मैं तो चाहूंगी कि मैं 15 दिन इन वनों के अंदर रहूं, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का जाकर के उद्धार करूं, इन्हें इम्प्रूव करूं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजस्थान के लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, पर्यावरण की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेड़ों की अनाधिकृत रूप से कटाई हो रही है। जो फैक्ट्रियों का पानी है वो उसका बराबर डिस्पोजल नहीं हो रहा है सही तरीके से। जो पन्नियाँ हैं वो प्रदूषण फैला रही हैं। जो कृषि भूमि है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि भूमाफिया प्लॉटिंग करके बिल्डिंग और बहु मंजिला इमारतें खड़े कर रहे हैं। जन भागीदारी अगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तब तक अपन आगे नहीं लाएंगे, तब तक ये वन जंगल कटते रहेंगे। जिसे हम देवता के रूप में पूजते हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी उस समाज का होता है जो उसे देवता के रूप में पूजते हैं। जलवायु में होने वाला ये परिवर्तन निश्चित रूप से 4 बातों के साथ में हमारे सामने उपस्थित होता है, और उन 4 बातों में प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है, और हमारे ग्लेशियर्स का पिघलना है, और ओजोन का डिप्लीशन या क्षरण होना है। जब हम इन 4 बातों पर एक साथ विचार करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमने इस समस्या को नागरिकों के माध्यम से खुद ही उठाया है। विकास के की जो अंधाधुंध होड़ लगी हुई है, इसके कारण पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। यदि हमने पानी के महत्व को अभी नहीं पहचाना तो फिर पानी जो है हमें और कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ आँखों में दिखेगा। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पर्यावरण की समस्याओं का सवाल है, अब ये आमजन को पता लगता जा रहा है कि समस्याएं क्या हैं, लेकिन अब आवश्यकता है समाधान तय करने की और उन समाधानों को इम्प्लीमेंट करने की आमजन के सहयोग से। आज इस मामले में सब समाज को आगे आना चाहिए, और मैं समाज में यही मेरी तरफ से सबको प्रेरणा देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज मिलकर पेड़ पौधे लगाएँ और पर्यावरण की रक्षा करें, और क्योंकि ये उनके भविष्य की आवश्यकता है इसलिए वो इसके महत्व को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बच्चों को हम ये बताते हैं कि अगर आप पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पौधे लगाने हैं, और पौधों का न केवल लगाना है बल्कि संरक्षण भी करना है। एक आदमी एक वृक्ष लगाओ और
पर्यावरण बचाओ। पौधे भी छोटे बच्चे के समान है अपने, इनका भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, सरकार को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। कुदरत के साथ बीते सालों में जो खिलवाड़ हुए हैं उसका खामियाजा लगातार हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए देश के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने की। दोस्तों, आपने हमारे पूरे कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से लोग अपने अलग अलग तरीकों से पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि आज के दिन ही हम अपने हर एक खास अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे विदा और देखते रहिए HBC न्यूज़।